वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। दोस्तों, सुबह का 5 बज चुका है और मैं जा रहा हूँ रितु को स्टेशन छोड़ने के लिए। बहुत ही जल्दी जल्दी जाते हुए स्टेशन, क्योंकि जल्दी से ट्रेन पकड़ना है और सुबह सुबह मुझे उठना पड़ा है रितु के कारण। मज़ा तो आ रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। रितु जा चुका है पूरा स्पीड में और मैं जाता हूँ रितु का गाड़ी लेकर। यहाँ पर रितु का गाड़ी है, रितु का गाड़ी लेकर घर। शहर में लोग अपना काम करते हुए सुबह सुबह, कोई इधर कोई उधर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सुबह सुबह का दिन है ना, जबरदस्त लगता है देखने में। देखिए क्या माहौल है, वाह। अब मैं पीके रॉय कॉलेज क्रॉस करते हुए, ये पीके रॉय कॉलेज है। आ चुका हूँ रूम में, घर में, और कर लेता हूँ अभी मैं एक्सरसाइज, योगा वगैरह, और उसके बाद करता हूँ आप लोग को अपडेट। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर क्या सजाना है, क्योंकि सारा सामान अस्त व्यस्त है और कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मैं रेख में सजा सकूँ। अभी मैं सजाया हूँ उधर में, ये सब रेख में मैं सजाया हूँ, लेकिन यही एक ही पीस रेख है और उसके बाद और कहीं है नहीं। तो देखता हूँ कि कहाँ मैं सजा सकता हूँ, और थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी कि खुरापाती क्रिएटिव वाला, और लगा के उसके बाद सजाता हूँ और उसके बाद करता हूँ अपडेट आपको। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, क्योंकि ये जो सामान है ना, कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना सजाना था मैं सजा दिया हूँ, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और क्या मैं बताऊं, दिखाता हूं आप लोगों को सामान। इधर से पूरा पड़ा हुआ है, सभी में पेपर है, बहुत ज़्यादा पेपर है, किताब है, हाँ, इधर उधर इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा सारा जगह बिखरा पड़ा है। मेरे पास में कोई रेक वगैरह नहीं है जहां पर मैं रख पाऊं, और मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर भी इस तरह से मैं एडजस्ट किया हूँ, अब देखना ये है कि क्या जितना हो पाएगा मैं करूँगा, उसके बाद दिमाग लगाऊंगा लगाऊंगा लगाऊंगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मैंने अपना रूम एटलीस्ट सजा ही लिया, बहुत ही मुश्किल रहा सजाना, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जंगला है, यहाँ पर मैंने कलर बोर्ड रख दिया है, और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स वगैरह टांग दिया, और यहाँ पर सारा व्यवस्था साफ उप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो थैला है ना, इसमें बहुत सारा सामान है, इसको खाली करना बाकी है। और ऊपर में सारा मैं सजा दिया हूँ ऊपर में, और इधर में भी मैंने सजा दिया, इधर में बिस्तर लगा दिया, मस्त एकदम जबरदस्त हो गया सारा जगह का, ठीक है। मेहनत तो लगा लेकिन परफेक्ट हुआ है अभी तक। और इसके अंदर चौकी के नीचे भी मैंने कुछ पेपर्स रखे हैं, कुछ क्या, बहुत सारे पेपर रखे हैं, जो कि वो भी ज़रूरी था। अब मेरा जो मन है ना, वो शांत हुआ और मैं फ्रेश हो चुका हूँ। अभी नहा धोवा के एकदम तैयार हो चुका हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे मज़ा आ रहा है, और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और दरवाज़ा वगैरह बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर मच्छर आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर है, बड़ा बड़ा साइज़ का है, तो बंद कर देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को करते हैं अपडेट। अभी मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए, और चलिए चलते हैं और करते हैं आपको अपडेट कि आज का क्या सिचुएशन है ड्यूटी में। मेरे एक ऑर्डर आया हुआ है और मैं ड्यूटी ऑन करने के बाद जा रहा हूँ डायरेक्ट झरिया। तो अब झरिया का नॉलेज तो है नहीं, लेकिन पूछ लेता हूँ अपने भाई बंधु लोग से, उसके बाद पता चल जाएगा कि कहाँ पर जाना है एग्जैक्ट। तो चलिए जाता हूँ, फिर करता हूँ आप लोग को अपडेट। ये स्पोर्ट्स वाला है, सब हल्का चले हुआ। अच्छा, वो तो नहीं, 9,500 सही है, वैरायटीज के ऊपर है ये सब। इसे कौन सा, ये हॉपर का है, वो कौन सा दिखा रहे थे, सब अलग अलग कंपनी का है ना। हाँ, अलग अलग। इससे अब तो और पतला टायर का आता, एकदम पतला, हाँ, वो हम बोल वो भी है, 2,250 का है, 1,650 का है, मतलब जो टंगा हुआ है ना, हाँ, सब 650, 750, 850। अच्छा, ऐसे मिल जाएगा ना बर्थडे उड्डे में देने के लिए। हाँ, अभी मैं झरिया से आ चुका हूँ ISM के पास में, यहाँ से देखता हूँ कि किस तरह का स्थिति है, क्योंकि ऑर्डर का स्थिति बहुत ख़राब है, ऑर्डर आ नहीं रहा है और सभी बंदे बैठे हुए हैं लगभग। और मैं झरिया से यहाँ पर आ गया, तकरीबन 11 किलोमीटर फिर से बैक आ गया, उसके बावजूद भी एक भी ऑर्डर नहीं आया है। देखता हूँ कि क्या स्थिति है, आप लोग को अपडेट ज़रूर करूँगा।
आज स्थिति बहुत खराब था ऑर्डर का, और अभी मैं यहाँ पर तंदूरी ताल में हूँ, और यहाँ पर से लेकर जाना है मुझे इतवारी नगर यानी कि हीरापुर तेलीपाड़ा। तो अभी चलेंगे वहाँ पर, ऑर्डर डिलीवर करेंगे, और लगभग ये लास्ट ही ऑर्डर है, अब इसके बाद ऑर्डर नहीं आने वाला है। उसके बाद चलेंगे रूम, करेंगे आपको अपडेट, और बाकी तो चलिए डिलीवर करते हैं, उसके बाद ही आपसे बात करते हैं। तो अभी आए यहाँ पर, अभी भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, देखते हैं। रात का 10:43 हो रहा है, और रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ही खाली हो चुका है, क्योंकि हो चुका है ठंडा का समय, और ठंडा का समय में हमेशा खाली रहता है। और मैं जा रहा हूँ अभी कस्टमर के पास में, जल्दी से जल्दी फूड डिलीवर करता हूँ, और उसके बाद करता हूँ आप सभी को अपडेट। ऑर्डर लगभग ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर 11 बज चुका है, चलते हैं रूम, करते हैं आप लोग को अपडेट। अभी मैं रूम में आ चुका हूँ, और अभी बहुत ज़्यादा शांति है सब जगह। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, फ्रेश हो जाता हूँ, फ्रेश होके उसके बाद खाना खाता हूँ, लेकर आया हूँ भोजनालय से, और उसके बाद फिर मैं करूँगा वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों, आप लोग को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि अभी सुबह से, और देखें ड्यूटी में तो थकान हुआ ही। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, अभी के लिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं कल सुबह एक नई सोच, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।